नहीं नहीं विकास विकास नहीं हुआ सवाल नहीं है, रीडेवलपमेंट। हाँ रीडेवलपमेंट। हाँ तो उसके लिए अगर सरकार आपकी आती तो योजना बंद होगी, तो वो पुनर्विकास और लंबा नहीं की जाएगा, 3 साल या 5 साल कम से कम लगेंगे फिर एक बार शुरू होके और लेट। देखिए हमारी हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, ये जो जमीन है जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी जमीन है, वो उस पर सालों से रह रहे हैं, वहां पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है, धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज हैं, मैंग्रोव्स की जो जमीन है वो छीनी जा रही है, यहाँ पे बाढ़ आती है ज्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा, और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। दैट इज आवर ऑब्जेक्शन। आवर ऑब्जेक्शन इज दैट इट इज अनफेयर, इट इज बीइंग डन, द इंटायर पॉलिटिकल मशीनरी इज बीइंग ट्विस्टेड to help one person. We are not convinced about how the tendering process was worked out, and we are absolutely convinced that this is theft of Dharavi land and it is being handed over to one person. Isi vyakti ko desh ke airports diye ja rahe hain, isi vyakti ko defense ki puri manufacturing industry di ja rahi hai, isi vyakti ko ports diye ja rahe hain, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है, और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का, तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते हैं। विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया धारावी कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये हो रहा है यहां पर, और ये चुनाव का मुद्दा है, बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में है, यही मुद्दा है कि महाराष्ट्र का जो धन है वो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा, या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा। और मैंने यहां प्रोजेक्ट्स के बारे में बोला है, मेरे पास लिस्ट है जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के थे जो आपसे छीनकर, महाराष्ट्र के युवाओं से छीनकर दूसरे स्टेटों में गए हैं। मैं लिस्ट पढ़ना चाहूंगा और टोटल इसकी जो वैल्यू है, महाराष्ट्र के युवाओं को मालूम होना चाहिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। वेदांता का फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट जो था, 1 लाख युवाओं को महाराष्ट्र में रोजगार मिलता, 1.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है का प्रोजेक्ट था, ये आपसे छीन लिया गया है। टाटा एयरब्रस प्रोजेक्ट, 6,000 युवाओं को हाईली टेक्निकल रोजगार मिलता, 1.8 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथों से छीन लिया गया है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 75,000 जॉब्स महाराष्ट्र के युवाओं को मिलते, 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल फाइनेंसिस सर्विस सेंटर, 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलता, 1.63 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, यह आपके हाथ से छीन लिया गया है। गेल पेट्रो